राखणाऱ्या महाराष्ट्रातल्या 17 खासदारांसाठी तरी निधी द्या असं वक्तव्य सांगलीचे नवनिर्वाचित खासदार विशाल पाटील यांनी केलेलं आहे. लोकसभेत आज ते चांगलेच बरसले. विशाल पाटलांच्या लोकसभेतल्या भाषणाची सध्या सगळीकडे चर्चा होती आहे. पिछले बजट से इस बजट में सिर्फ 5% ज्यादा प्रोविजन किया है, ये किसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं सर? ये छोड़ के बजट में 70,000 पिछले वोटर अकाउंट में और 60,000 इस वोटर अकाउंट में उन्होंने न्यू स्कीम्स के लिए दिए हैं. कौन सी न्यू स्कीम्स हैं? इससे क्या होने वाला है? क्यों नहीं बताते? हमसे वोट मांग रहे हैं और नहीं बता रहे 60,000 रुपए कहाँ जाए. मैं आपको हमारे संत तुकाराम महाराज जी का एक अभंग सुनाता हूँ. बोला चीज कड़ी, बोला सात बात, जेवनिया तृप्त कौन झाला. इसका अर्थ यह है कि बातों की कड़ी चावल से किसी का पेट नहीं भरता. ट्रेलर तो ये बहुत अच्छा बना लेते हैं लेकिन इनसे पिक्चर नहीं बनती क्योंकि डायरेक्टर में ही प्रॉब्लम है. इस बार तो ट्रेलर भी बकवास हुआ. सो आई विल कंक्लूड, आई एम कंक्लूड द सिंपल पॉइंट एंड आई वांट टू टेल देम व्हाई दे हैव लॉस्ट इन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र एंड दे मे गो ऑन एंड टॉक अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ब्रॉट इन एंड हाउ कास्ट इक्वेशन वॉज ब्रॉट इन बट दैट इज नॉट द रीजन फॉर देम लूजिंग मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया.